प्रिय गोस्वामी जी, मेघा मोटर बाइंडिंग मंडी दी पगरसिया, आपकी ओर से 52 रुपए की राशि प्रदान। भैया हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अच्छी अच्छी कथाएं आप सुन रहे हैं। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए बात उस समय की, हेलो लंका के दरमियान जब राम और रावण घनघोर संग्राम होता है, उसी के चलते ₹21 का आशीर्वाद हमारी माताजी इमरत भाई दादी जी आपकी ओर से प्रणाम प्रदान हुए। प्रणाम करते हुए सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का घनघोर युद्ध होता है, तभी मेघनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मबाण का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के लगता है, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे, सारे दल में हाहाकार मच जाता है। आज राम जी मन में ये विचार करते हैं कि दुश्मन की इस नगरी में ऐसा कौन होगा जो आज हमारी सहायता करेगा, मेरे भाई के प्राणों को बचा देगा। राम जी का प्रलाप लक्ष्मण जी को गोद में लेकर आज प्रभु राम रोते हैं कि भाई लंका पे जय की अब मुझे चाहत नहीं रही। अब इस लंका को जीतने में क्या करूंगा, मैंने तो मेरा भाई गवा दिया। और मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। समर में शक्ति लगी जब लखन लाल को, राम रोने लगे देख करके हाल को। ये रे दे कहते हैं
प्रभु राम तो सो कि मैंने मेरे छोटे से स्वार्थ के लिए आज अपने लौते भाई को गवा दिया। अपनी गोदी में लखनलाल के सर को रख के वो शोक मनाए, अरे इस तरह शोक मनाए। लेके लखन को गोद में आज प्रभु राम क्या हो, लेके लखन को गोद में वो ये शोक मनाए, इस तरह शोक मनाए, शोक मनाए, इस तरह शोक मनाए, शोक मनाए, इस तरह शोक मनाए। परम सम्मानीय राम सत्ता भजन के सम्राट हमारे श्रद्धे पहलवान साहब, आपकी ओर से 151 रुपए का आशीर्वाद, सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। गोस्वामी जी, मेघा मोटर बाइंडिंग मंडी जी बगरसिया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान। भैया जी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लेके लखन को गोद में, लेके लखन को गोद में, लेके लखन को गोद में, ¡Gracias!
बहुरा सुख ये सुख बनाए प्रभु राम को ऐसे बिलकता दे। वाह विभीषण जी कहते हैं प्रभु आप अधीर ना हो, लंका में सुसेन नाम के वैद्य हैं, यदि उन्हें जाकर कोई ले आए तो लक्ष्मण जी का उपचार संभव हो जाए। तो आज हनुमान जी महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं कि विभीषण जी आप सिर्फ इतना बता दो कि लंका के किस कोने में सुसेन वैद्य का घर है। विभीषण जी ने सारा पता बताया, वो अंजनी का लाल तुरंत गया और सुसेन वैद्य को मकान समेत उठा के ले आया। आज जगते पालनहार प्रभु राम जिनसे संसार की एक सांस है, आज दोनों हाथ जोड़कर सुसेन वैद्य से कहते हैं कि भैया मेरे भाई के आज तुम प्राण बचा लो। क्या कहते हैं प्रभु राम? कहा बैठ जी क्या ओ मेरे लखनी के तन में अभी सांस तो एक बार बैठी मेरे भाई का हाथ पकड़ के तो आप देखो हो नाड़ी नाड़ी पकड़ के देखो हो नाड़ी पकड़ के देखो अभी कुछ आस तो पकड़ के देखो
के देखो अभी मुझे आस तो सुसैन वैद कहते हैं कि मैं दुश्मन का वैद हूँ और दुश्मन का उपचार मैं नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने कहा प्रभु वैद का कोई दुश्मन और कोई मित्र नहीं होता है, जो रोगी होता है उसका इलाज करना, उसका उपचार करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। तो वैद सुसैन कहते हैं कि महाराज रात्रि के दो पहर निकल चुके हैं, यदि भोर होने से पहले द्रोणागिरि पर्वत से कोई संजीवन बूटी लेकर यहाँ आ जाए तो आज लखन का उपचार संभव हो सकता है। सम्मानी श्री चंद्रमोहन भैया मालवीय जी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे परम सम्मानीय देवी सिंह जी तोमर साहब एची जी मंडीदीप पालों की ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान, भैया जी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पुनः हमारे विष्णु भैया गोस्वामी जी मेघा मोटर बाइंडिंग मंडीदीप पंगरसिया आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो आज क्या जैसे ही बात आई कि भोर होने से पहले इतनी दूर से सजीवन बूटी लाना है तो प्रभु राम फिर रोने लगते हैं कि इतनी जल्दी ये काम कैसे हो सकता है। हनुमान जी महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं कि प्रभु आप इस दास को आज्ञा दीजिए, भोर होने से पहले सजीवन बूटी भी आ जाएगी। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, इससे पहले भोर हो जाए ये सूर्य सुबह का फिर निकल आए, यदि आपकी कृपा हुई प्रभु तो अरे लाल अंजनी का जब कहूंगा मैं मेरी माँ का लाल जब कहूंगा प्रभु की भोर होने से पहले यहाँ पर संजीवन ला के दे दूंगा। ये लाल अंजनी का जब कहूंगा अगर मैं बूटी लेके आऊंगा, अगर मैं बूटी लेके आऊंगा कहा प्रभु तो इससे पहले कि भोर हो जाए ये सूर्य सुबह का फिर निकल आए, अरे लाल अंजनी का जब कहूंगा अगर मैं फूट लेके आऊंगा लेने के लिए उड़े
फूटी लेने के लिए उड़े। हमारे परम सम्मानीय पर्वत सिंह जी राजपूत साहब सराखिया वालों की ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान। भैया जी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अगर मैं बूटी लेके आऊंगा अगर मैं बूटी लेके आऊंगा अगर मैं बूटी लेके आऊंगा। और जानकार लोग यहाँ बैठे हैं। दो मिनट से श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल निमिया मंच के समीप आ जाए। दो मिनट से इतनी सारी बात जब हुई तो रात्रि का तीसरा